गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसका अपन उसको क्या कहें, यानी खनिजों का अकौत भंडार, यानी पर्याप्त खनिज भारत में, सबसे ज़्यादा खनिज। अपन उस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं जिसका आप समझ गए होंगे नाम क्या है, यानी मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, वहां से उत्पादन हो रहा है, खनिजों का भंडार, यानी अपन कह सकते हैं खनिजों का अजैब घर। मैं बात करने जा रहा हूं इस टॉपिक की जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। मुख्य रूप से ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको खनिजों की दृष्टि से अपन क्या कहते हैं, भारत में खनिजों का अजैब घर कहते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे कई सारे खनिज भंडार है। यहाँ पर लोहा, कोयला, विद्युत परियोजनाएं, कई विस्फोटक सामग्री के उद्योग, कई सारे उद्योग हैं, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, तांबा उद्योग, कई सारे उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, और कई सारे जमशेदपुर वगैरह, टाटा वगैरह का जो बड़े बड़े उद्योग है, जो आधुनिक उद्योग है, वो यहाँ पर लगे हुए झारखंड में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो छोटा नागपुर का पठार है ये मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो ये मुख्य रूप से झारखंड राज्य में। ये छोटा नागपुर का पठार है मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है, और जो ये पठार है इसकी जो पठारी सीमा है, चारों ओर की जो सीमा है, जो ये लगभग दो तीन और राज्यों को स्पर्श करती है, उनमें भी कुछ इसका हिस्सा है। जैसे अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, या अपन कह सकते हैं पश्चिम बंगाल वगैरह, यहाँ कुछ कुछ क्षेत्र इन राज्यों में भी लगते हैं छोटा नागपुर पठार से। तो अपन बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये भारत के झारखंड राज्य में मुख्य रूप से, यहाँ उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कुछ सीमाएं इनसे भी लगती है छोटा नागपुर पठार की। तो अपन बात करते हैं ये जो पठार है छोटा नागपुर पठार, इसके उत्तर पश्चिम में गंगा, सोन नदी बहती है, सोन नदी बहती हुई गंगा में मिल जाती है। अब जो सोन नदी है, जैसे देखो ये मैंने अगर आपको ये छोटा नागपुर का पठार मान लिया जाए, ये अगर छोटा नागपुर का पठार, तो यहाँ उत्तर पश्चिम यहाँ पर सोन नदी चलती हुई कहाँ मिल जाती है, ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे चित्र बनाना है रप में, और फिर उसी को जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार आप अपनी रप कॉपी में बना के आराम से इसको पढ़े। देखो यहाँ पर ये बहती हुई गंगा नदी मिल जाती है, राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जो ये जो मैंने यहाँ पर एक पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां जिसको अपन कहते हैं, ये इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जहां मैं इसको अभी यहाँ नीचे दर्शा दिया, यहाँ तीन कर्म से जो पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां जो इसकी उत्तरी सीमा में, जो उत्तरी सीमा बनाती है छोटा नागपुर पठार की। फिर अपन बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख नदी है दामोदर नदी, यानी इस छोटे नागपुर पठार में से, जैसे ये छोटा नागपुर पठार, इसमें से दामोदर नदी है। प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। इस पठार की प्रमुख नदी है दामोदर नदी। यह इस पठार के मध्य भाग से होती हुई एक ब्रंश घाटी बनाती हुई चलती है। ये जो क्या करती है, ये से ब्रंश घाटी बनाती हुई चलती है, यानी ये जैसे इसे ब्रंश घाटी वी आकार में चलती है, वी आकार बनाती हुई ये घाटी में एक चलती है ब्रंश घाटी, जहाँ पर कोयले के भी भंडार पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ भारत में जो ब्रंश घाटियाँ हैं, नर्मदा है, दामोदर है, महानदी है, सोन नदी है, वहाँ पर कोयले के अकूत भंडार पाए जाते हैं। तो ये जो दामोदर नदी है ये एक ब्रंश घाटी बनाती हुई गुजरती है, और यह पश्चिम पूर्व दिशा में बहती है, पश्चिम पूर्व दिशा में, यानी पश्चिम से लेकर इधर पूर्व की ओर ये इस प्रकार से बहती है, क्योंकि इसका ढाल है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है ये नदी। फिर अपन बात करते हैं यह गोंडवाना युग के कोयला के भंडार है। जो ये छोटा नागपुर का पठार है, जैसे अपन बात करें ये जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, जो एक स्थलखंड है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये भी एक गोंडवाना लैंड का भाग है, और यहाँ पर गोंडवाना लैंड का उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना लैंड में लगभग उत्तम किस्म का कोयला है। भारत में लगभग 98% जो कोयले के भंडार है वो गोंडवाना लैंड के भंडार है, यानी उत्तम किस्म के। फिर अपन बात करते हैं जो भारत के 1/3/4 भाग कोयला प्रदान करता है। अब 3/4 भाग कभी कभी प्रतिशत में नहीं आए, 3/4 आ जाए, और कभी कभी प्रतिशत में आ जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे ये 100 है, 100 का आप 3/4 निकाल दिए यहाँ से 25, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए 75% को ही अपन क्या कहते हैं, 3/4 भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, 75% को ही अपन क्या कहते हैं, यानी भारत का लगभग 75% भाग है कोयले का, जो झारखंड या छोटा नागपुर पठार से
उत्पन्न होता है या यहाँ पर इसके भंडार है। फिर अपन बात करते हैं, यह छोटे छोटे पत्थरों के रूप में बंट गया, जो ये छोटा नागपुर का पठार है मुख्य रूप से ये छोटे छोटे पठारों में बंट गया। जैसे अपन बात करते हैं रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, ये तीनों ही पठार मुख्य रूप से इन तीनों पठार को मिलकर ही अपन क्या कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। जैसे अपन अभी अलग अलग मैं इन तीनों के बारे में अपन वापस इधर बताऊंगा आपको। जैसे देखो यह छोटे छोटे पठारों के रूप में बंट गया, इसके उत्तर में जो भाग है उसको हजारीबाग का पठार कहते हैं। जैसे मैं बता देता हूं यहां से हटा के, ये जो आपका मान लिया जाए ये छोटा नागपुर का पठार है, ये कौन सा पठार है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी भाग है वो हजारीबाग है। यहां पर जैसे ये उत्तरी भाग है तो ये हजारीबाग पठार है, कौन सा हजारीबाग पठार। और यहां पर है आपके ये दक्षिण भाग में रांची का पठार है, ये क्या है आपके रांची पठार। ये उत्तरी भाग ये दक्षिण भाग, ऊपर हजारीबाग पठार नीचे रांची का पठार है। यहां हजारीबाग पठार और रांची के पठार में लोहे और कोयले के विश्व भंडार है। यहां पर भी इस पठार में भी लोहा कोयला और इस पठार में भी लोहा कोयले के भंडार है। और इसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी दामोदर नदी, दामोदर, ये आपकी दामोदर नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। छोटा नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र भारत को रूहर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। रूहर प्रदेश का मतलब ये होता है जहां पर उद्योग धंधे या कोयले वगैरह लोहे वगैरह ज्यादा होते हैं, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं रूहर प्रदेश कहते हैं। जो ये वास्तविक रूहर प्रदेश की जो संकल्पना है ये आपके जर्मनी से आई है, क्योंकि जर्मनी में एक नदी है राइन नदी और उसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं या वहां पर जो भंडार है कोयला या लोहे के भंडार है उद्योगों के भंडार है उनको अपन क्या कहते हैं रूहर क्षेत्र, यानी जर्मनी की जो राइन नदी है उसको अपन क्या कहते हैं रूहर क्षेत्र या रूहर बेसिन। तो यहां पर भारत में भी यहां कोयले और लोहे और अन्य भंडार है, इसलिए इसको क्या कहते हैं छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। फिर अपन बात करें इसका क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है 65,000 वर्ग किलोमीटर। छोटा नागपुर का पठार है इसका जो क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग समुद्र तल से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर है। ये समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, ये कितना पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग है, लगभग 600 मीटर ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है। इसका जो सबसे ऊपरी पठारी भाग है इसका वो है पारसनाथ की चोटी, यानी पारसनाथ, पारसनाथ की चोटी है वो इसका सर्वोच्च ऊपरी भाग है। पारसनाथ की चोटी है जो इसका सर्वोच्च ऊपरी भाग है। फिर अपन बात करते हैं यहां इस पठार में, यहां प्राचीन काल में यहां एक राजा हुए थे नागवंशी राजा, नागवंशी राजा यहां इस भाग में शासन करते थे झारखंड वगैरह में, तो उसके नाम के आधार पर ही अपन इसको क्या कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। नाग कहां से शब्द आया, यानी यहां पर जो पहले नागवंशी राजा शासक करते थे उनके आधार पर इनका नामकरण हुआ नागवंशी। यहां दामोदर के अलावा कुछ और नदियां चलती है, जैसे मैं बात करता हूं स्वर्णखोई, स्वर्णखोई एक तो हो गई यह स्वर्ण रेखा, क्या हो गई स्वर्ण रेखा नदी, और एक हो गई खारकोई, और एक हो गई आपकी महानदी। ये जो दो तीन नदियां इसी पठार के आसपास या इर्द गिर्द इसके अंदर से होकर गुजरती है, स्वर्णकोई खारकोई और स्वर्णकोई और खारकोई नदी के किनारे ही आपका जमशेद जी का जो आधुनिक कारखाना बसा हुआ है जमशेद जी टाटा का, वो आपके इसी नदी के किनारे इसी क्षेत्र में बसा हुआ है छोटा नागपुर पठार में, जिसको आप टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी के नाम से या लोहा इस्पात के नाम से, जैसे इसको है या वो अब परिवर्तन हो गया टिस्को में बदल गया, तो अपन इसको कहते हैं यहां पर है ये क्षेत्र, कहां पर यहां पर। फिर यहां पर ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये तो आपको पता है गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे पुराना भाग कौन सा गोंडवाना लैंड। और यह जो पठार है मुख्य रूप से ग्रेनाइट व निश से बना है, किससे ग्रेनाइट की चट्टाने और निश की चट्टानों से ये भाग बना है, ये आपको ध्यान रखना ग्रेनाइट और निश की चट्टानों से बना है। और जो ये पठार है यहां पर तीन मुख्य रूप से जो पहाड़ियां हैं जो आपको क्रमश रूप से इस प्रकार से मिलेगी, ए जिसमें लिख देता हूं ए बी सी, ये ए बी सी, तो ये हो गई आपकी दालमा की पहाड़ियां,
और बी है आपकी पोहरहाट की पहाड़ियां और सी है आपकी राजमहल की पहाड़ियां। ये आपको पूर्व से पश्चिम एक क्रम मिलेगा इस प्रकार। तो ये ध्यान रखना, दालमार, पोहरहाट और राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार में। दालमा, पोहरहाट और राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है, आपके छोटा नागपुर के पठार में। फिर बात करते हैं यहां पर साल के वृक्षों की प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष हैं। साल के वृक्ष प्रमुख रूप से यहाँ साल के वृक्ष हैं और यहाँ पर हाथी व बाघ के लिए कुछ संरक्षण अभ्यारण्य भी बने हुए, हाथी और बाघ को बचाने के लिए संरक्षण अभ्यारण्य भी बने हुए यहाँ पर। भारत में इसमें सबसे ज्यादा खनिजों का सकेंद्रण है, क्या है यहां पर, खनिजों का सकेंद्रण, जो का सकेंद्रण है यहां पर, क्या है, खनिजों का सकेंद्रण। इसलिए इसको क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा खनिजों का सकेंद्रण है, उत्पादन है, भंडार है, यहां पर है छोटा नागपुर के पठार में। इसे भारत की शिल्पशाला कहते हैं, इसे भारत की, छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, भारत की शिल्पशाला। यानी शिल्पशाला का मतलब यह है जहां पर कुछ उत्पादन उद्योग बने हुए हैं, जहां पर बनाए जाते हैं कुछ उत्पादन या उद्योग हैं, जहां कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो अब शिल्पशाला क्यों कहा, क्योंकि जो शिल्पशाला यानी जहां काम करने के लिए जो वस्तुएं काम आई जाती हैं वो यहां से मिलती हैं, जैसे लोहा, कोयला या इस्पात है, वो यहाँ से इनको मिलता है, जैसे बिजली वगैरह है यहाँ से, खारकोई नदियों से। तो इसको क्या कह दिया गया, एक शिल्पशाला कह दिया गया है इसको, भारत की शिल्पशाला, क्योंकि यहाँ कोयला भी है, लोहा भी है और यहाँ पर कुछ छोटे बड़े और जो उद्योगों को कच्चा माल चाहिए वह भी यहाँ पर है और बिजली भी यहाँ पर है, इसलिए इसको कहा गया। फिर अपन बात करते हैं यहां पर इस छोटा नागपुर पठार में लाख उत्पादन होता है, जो एक लाख होता है जिसकी चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है लाख की, तो लाख का उत्पादन होता है और यह भारत विश्व, भारत में यह प्रथम स्थान पर है। भारत में झारखंड राज्य है, यह छोटा नागपुर का पठार लाख उत्पादन में प्रथम राज्य है। फिर यहां पर कागज व लुगदी उद्योग है, यहां पर जो कागज और लुगदी उद्योग का भी एक कारखाना है जिसको अपन कहते हैं डालमिया नगर में, इसका कारखाना कहाँ है, कागज और लुगदी उद्योग का कारखाना है डालमिया नगर में है, डालमिया नगर छोटा नागपुर के पठार में। फिर यहाँ पर रांची में है भारी इंजीनियर उद्योग, यानी जो भारी मशीनें वगैरह बनाई जाती है, तो यह यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में रांची है, वहाँ उसका भारी इंजीनियर उद्योग का क्या है, कारखाना है। फिर यहाँ एक क्षेत्र है गोमिया, जिसमें अपन बात करते हैं यहाँ विस्फोटक सामग्री बनाई जाती है, यहाँ पर क्या बम वगैरह विस्फोटक सामग्री बनाने का कारखाना है गोमिया में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जपला नाम का स्थान है जहां पर सीमेंट बनाने का कारखाना है, किसका, सीमेंट बनाने का कारखाना जपला नामक क्षेत्र पर है। फिर अपन बात की जाए, एक यहां पर है सिंदरी, ये जो सिंदरी है मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक होता है, नाइट्रोजन उर्वरक होता है, जो खाद बीज होता है नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, तो वो नाइट्रोजन का कारखाना यहां पर है सिंदरी में। फिर अपन बात करें एक और कारखाना है बोकारो में, कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है, यहां पर एक क्षेत्र है बोकारो, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ही है एक बोकारो, जहां पर कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, किससे, कोयले से विद्युत का उत्पादन। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी क्या क्या जो विशेषताएं क्या, उसका नाम किस आधार पर पड़ा, उसको खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, या वो कौन कौन से राज्यों में बसा हुआ है, या अपन कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, या छोटा नागपुर पठार कौन कौन से पठारों से मिलकर बना हुआ है। और मैं आपको बता देता हूं, जो ये छोटा नागपुर पठार है, जो ये रांची का पठार है, ये जो एक आग्नेय से जो ज्वालामुखी से एक स्थलाकृति बनती है बेथोलित, तो जो ये रांची का पठार है बेथोलित का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बेथोलित का उदाहरण है। और जो छोटा नागपुर पठार है ये वाला पूरा, ये आपके लेकोलित का उदाहरण है, किसका, लेकोलित का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति होती है भूमि के अंदर, उनको कहते हैं बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित या डाइक, सील, सीट, इस प्रकार से। तो इनमें से ये दो, रांची तो है आपका बेतोलित का उदाहरण और ये है लेकोलित का उदाहरण। फिर अपन इनमें अपन ने पढ़ा कि रूर प्रदेश क्यों कहते हैं, या इनमें कौन कौन से वृक्षों की विशेषता है, या कौन कौन से मुख्य रूप से यहाँ उद्योग धंधे लगे हुए हैं, इस प्रकार। थैंक यू।